छोटी जगह रहना पड़े, लेकिन अपनी सोच को छोटी मत होने देना। हम तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास है, मैं कहूंगा कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि ज्यादातर मुझे जो कमेंट्स आप लोग करते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करते हो, मुझे मेल्स मिलते हैं, तो ज्यादातर आप लोग यही पूछते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि मुंबई में कहां रहें, क्या रेंट है, कौन से एरिया में रहना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया, उसका रीजन ये है कि कुछ ब्रोकर से मुझे बात करनी थी ताकि मैं अभी के लेटेस्ट रेंट आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि मैं आया था 2018 में और तब के आपको रेंट बता देता तो बात थोड़ी गलत हो जाती। तो ब्रोकर से बात हो गई है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है और बस, तो फिर हियर आई एम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब मैं मुंबई आया तो मैं कहाँ रहा, क्या मैं रेंट देता था, मैंने कितने घर चेंज किए, अभी कहाँ रहता हूँ और क्या रेंट देता हूँ। ये कहानी बताने के पीछे मेरा एक छोटा सा मकसद है जो आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि अभी आप लोगों को जब आप आते हो तो आपको कहाँ रहना है, कौन से एरिया में इंडस्ट्री का हब है, ज़्यादातर ऑडिशंस कहाँ होते हैं और अभी क्या रेंट चल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सफ़र की शुरुआत हुई 2018 दिसंबर मंथ से, जब मैं मुंबई आया फर्स्ट टाइम, और तब मैं अंधेरी ईस्ट में इस मकान में रुका था। तो आप देख सकते हैं ये मकान बिल्कुल बाथरूम की साइज का है, और वो सामने जो आप लोगों को टीवी नजर आ रही है वो टीवी बंद है, तो आप ये मत सोचना कि मैं मस्त मूवी वूवी देखता था। और इतना छोटा मकान था, मैं इसका किराया तब मैं 5,000 रुपया देता था। यहाँ पर मैं सिर्फ एक महीना रहा और ये एक महीना मेरी लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट मंथ था, क्योंकि वो इतना सफोकेशन होता था और मतलब मुझे, मैं इतना नेगेटिव होता था ये घर में, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं थी, सफोकेशन। एक पर छोटी सी एक खिड़की है जहाँ से थोड़ी बहुत हवा आती थी, क्योंकि सामने भी बिल्डिंग थी, तो कोई सी फ्रेश एयर तो मुझे नहीं मिलती थी। मुझे घर में घुसने की ही इच्छा नहीं होती थी, पूरा पूरा दिन मैं कोशिश करता था कि बाहर रहूं, क्योंकि घर में जाऊंगा तो एक डब्बे में कैद हो जाऊंगा, यही फीलिंग हमेशा मुझे रहती थी। तो जैसे तैसे करके मैंने एक महीना निकाला। तब तक मुझे पता चल गया था कि मुझे अंधेरी वेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑडिशंस वहाँ होते हैं। तो उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया इस मकान में, जो अभी आप लोग जहाँ पर बैठ कर मैं ये वीडियो बना रहा। तो ये 1 BHK फ्लैट है, यहाँ पर हम 4 लोग शेयरिंग में रहते थे। ये रूम में जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बंदा रहता था जो ज़्यादा किराया देता था, ये रूम उसका पर्सनल था। आगे हॉल है, वहाँ पर हम 3 लोग रहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ हॉल। तो ये हॉल में हम लोग 3 लोग रहते थे, मैं और दूसरे 2 लड़के। अब सामने आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया सा गार्डन है, फ्रेश ऑक्सीजन और बहुत ही अच्छी वाइब है ये घर की। बहुत ही, मैं यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहने लगा, बहुत ही खुश रहने लगा, क्योंकि बहुत अच्छा लोकेशन है। लेकिन दिक्कतें कुछ ही ऐसी थी कि ज़्यादातर क्या होता है मुंबई में, कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभार रात के 10 बजे 11 बजे यहाँ तक के 12 बजे भी स्क्रिप्ट भेजते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे में रेडी करके भेजो। तो अब उस वक्त मैं अगले को ये नहीं कह सकता कि उठ जा भाई लाइट ऑन करने, मुझे शूट करना है, जगा दे, क्योंकि किराया वो भी दे रहा है, तो मैं नहीं दे पाता था। रीडिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि जब मैं रीड कर रहा हूँ अगला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ बातें कर रहा है तो हम उसे कुछ नहीं बोल सकते। एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, क्योंकि हमेशा वो दोनों यहीं लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, तो काफ़ी सारी दिक्कतें ये सारी थी। तो मैं हमेशा दुआ करता था कि ये लोगों को काम मिले और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहे, ताकि मैं घर में अकेला जब भी होता था मैं अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस करता था, अलग अलग मोनोलॉग्स रेडी करता था, पढ़ाई करता था, और हमेशा हमेशा ये दुआ मांगता था कि एक दिन मैं ये पूरे घर में अकेला रहूँगा। ये बात सोचना उस वक्त 2018 में मेरे लिए नामुमकिन से भी नामुमकिन थी, क्योंकि जो एरिया में मैं रहता हूँ 7 बंगलो, ये आराम नगर के बिल्कुल पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, मैं यहाँ पे चलते चलते जाके पूरा आराम नगर घूम सकता हूँ, घर पे आ सकता हूँ। प्राइम लोकेशन है, बहुत अच्छा पोश एरिया हम कह सकते हैं, वहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ के किराए आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएंगे। तो इतना मैं अकेला अफोर्ड कर पाऊँ ये मैंने सपने में भी नहीं सोच पाता था,
इतनी औकात नहीं थी मेरी, लेकिन मैं सोचता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो ये कभी नहीं होगा, तो मुझे सोचना है। किसी भी चीज़ को पाने का फर्स्ट स्टेप होता है कि सोचना, दिल से सोचना और मानना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और आज देखिए, आज ये पूरे फ्लैट में, 1 BHK फ्लैट में मैं अकेला नहीं, शेयरिंग में तो मैं अभी भी रहता हूँ। मेरे पार्टनर से आप लोग नहीं मिले तो मैं अभी आप लोगों को मिला था, एक ही मिनट। तो ये है मेरा पार्टनर मिस्टर सिम्बा, इसके साथ मैं शेयरिंग में रहता हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है। किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपना मस्त रहता है, खाओ पियो और सो जाओ, तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ, है ना सिम्बा, जा सो जा। तो अब मेरा पार्टनर बहुत ही अच्छा है, मैं जब चाहे जो भी कर सकता हूँ, जब चाहे मैं पढ़ सकता हूँ, जब चाहे मैं ऑडिशन बना सकता हूँ, मोनोलॉग बना सकता हूँ, जब मन करता है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए बातें कर सकता हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं छोटी जगह रहा लेकिन मैंने अपनी सोच को छोटी नहीं होने दिया। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मुंबई आए तो हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को छोटी जगह रहना पड़े, लेकिन अपनी सोच को छोटी मत होने देना। हमेशा ऊपर सोचना और हमेशा ऐसी चीजें सोचना जो आपको लगे कि ये मेरी औकात से बाहर है। अपनी औकात से बाहर का सोचना और सच्चे दिल से आप मांगोगे खुदा से तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और ये देखिए, आप लोगों के सामने हूँ मैं। तो अब हम मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, अब हम मुद्दे पर आते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर रहना है, क्या करना है, रेंट वगैरह वगैरह वगैरह। एरियाज और रेंट बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, आपके शहर का 2-3 किलोमीटर और मुंबई शहर का 2-3 किलोमीटर में बहुत फर्क है। आपको लगेगा कि मैं 3-4 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर रहने चला जाऊं, आने में कितना 10-15 मिनट लगेगा आपके शहर में लगता होगा, लेकिन मुंबई में 2 किलोमीटर का सफर आपको काटने में कम से कम 20-25 मिनट लगेगा, कम से कम बता रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा तो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, ये शहर में बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। अब हम बात शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने ठान लिया है कि आपको एक्टर बनना है, और एक्टर बनना है तो आपको मुंबई में आना ही पड़ेगा। अब मुंबई में आप एक्टर बनने आना चाहते हो तो आप लोगों के दिलो दिमाग में एक बात होनी चाहिए, एक बात बिठा लेना है आपको कि अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट यहाँ पर एक एरिया है जो टीवी इंडस्ट्री का हब है, गढ़ है, मतलब बॉलीवुड की फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, सारी चीज़ों के प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस, सारी चीज़ें यहीं पर है। तो कोशिश करनी है कि अंधेरी वेस्ट में ही हमें रहना है, लेकिन फिर डिपेंड करता है हमारे बजट पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अंधेरी वेस्ट के रेंट बताता हूँ। दोस्तों, अंधेरी वेस्ट में मैं आप लोगों को कुछ एरिया बताऊंगा जिसमें 7 बंगलो, 4 बंगलो, महाड़ा, यारी रोड, ओशीवारा, लोखंडवा, ये सारे एरियाज को मैं अंधेरी वेस्ट में ही गिरूंगा क्योंकि सब कनेक्टेड है, पास पास में आप 5 या 10 मिनट में लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहने का एक फायदा तो ये है कि आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशंस अटेंड कर सकते हो, दे सकते हो। तो जैसे कि अगर आप अंधेरी वेस्ट में रहना चाहते हो तो आपको मिनिमम 6,000, शेयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 6,000 कम से कम, फिर वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में, लोखंडवाला में तो शेयरिंग में भी 15,000 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर रहता हूँ 7 बंगलो में, यहाँ पर 7,000-7,500 तक जैसे मैं रहता था, ठीक है, तो आपको मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000-20,000 तक भी आप शेयरिंग में रह सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। अगर आप एक बंदे के साथ रूम शेयर कर रहे हो तो आपका किराया ज़्यादा होगा, दो के साथ कर रहे हो तो कम हो जाएगा, तीन के साथ कर रहे हो तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग 1 BHK ले सकते हो। अंधेरी वेस्ट में 1 BHK आप लेते हो तो उसका किराया कम से कम 25,000 से शुरू होगा और फिर 35, 40, 45 तक जाता है। और ये दोनों के बीच में भी एक ऑप्शन है 1 RK, 1 room kitchen। तो ओशीवारा में आपको 15,000-18,000 तक 1 room kitchen मिल सकता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से रहना ज़्यादा सही होगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैं भी कुछ साल शेयरिंग में रहा हूँ
थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें शुरुआत के कुछ दिन शेयरिंग में रहना चाहिए, और अच्छा है, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, तो थोड़ी जानकारी मिलती है कहाँ पे क्या चल रहा है, वो यहाँ पर गया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। तो अगर आप लोगों को अंधेरी वेस्ट का रेंट ज़्यादा लग रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है अंधेरी ईस्ट। अब ये थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है। आप 20 से 25 मिनट में अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट ट्रैवल कर सकते हो। अब मान लो कि आप अंधेरी ईस्ट में रहने चले गए, तो आपको जो यहाँ पे 8,000 रुपये का शेयरिंग में रह रहे थे, वो चीज़ आपको 6,000 में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको 1 BHK आराम से 15 से 20 हज़ार तक मिल जाएगा, 12 से 15 हज़ार के बीच में 1 RK भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को अंधेरी ईस्ट का रेंट भी आपके बजट में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे। अब यहाँ से आगे हम जा सकते हैं गोरेगांव, गोरेगांव ईस्ट और गोरेगांव वेस्ट। सेम, आपका किराया 2,000-1,500 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन वही डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो किराए में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो गोरेगांव में आप लोगों को 4-5 हज़ार में शेयरिंग में 2-3 लोगों के साथ आप रह सकते हो। 1 BHK लेना है, 15,000 में आराम से 1 BHK मिल जाएगा। 10 से 12 हज़ार में 1 रूम किचन मिल जाएगा आराम से, लेकिन वही है, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर ये भी आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा और आगे जा सकते हो, मलाड, मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट। तो सेम, वहाँ पे और थोड़ा रेंट कम हो जाएगा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रेंट वैसे वैसे कम होता जाएगा, समझ रहे हो आप। और अगर आप लोगों का बजट ये भी नहीं है, तो फिर अब यहाँ से आप जा सकते हो कांदीवली और बोरीवली। अब वहाँ से आप लोगों को अंधेरी वेस्ट, सात बंगला, आराम नगर पहुँचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको घर से स्टेशन पे जाना है, स्टेशन से लोकल पकड़ के अंधेरी वेस्ट स्टेशन पे आना है, अब स्टेशन से लोकेशन पे आना है, तो बहुत ही टायरिंग हो जाएगा। और किराया जाएगा वो अलग, आपका हेयर मेकअप ये सब बिगड़ेगा वो अलग, और जब आप ऑडिशन देने पहुंचोगे तो आप फ्रेश नहीं दिख पाओगे। और एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है फ्रेश दिखना, एक्टिव रहना, वो फ्रेशनेस आपकी चली जाएगी। इससे भी अगर आप लोगों को सस्ता चाहिए, तो फिर आपको लास्ट स्टेशन नएगांव, मीरा रोड, विरार, नाला सोपारा, दहिसर, ये एरिया में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर दोस्तों 2,000 रुपये में भी आप शेयरिंग में रह सकते हो। मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हो और मुंबई आना चाहते हो, तो गलती से भी ये सारे एरियों में मत जाना, क्योंकि आप शुरू शुरू में आओगे यहाँ से, आपको फॉर एग्जाम्पल विरार है, वहाँ पर आप रहते हो, 2,000 में आपको शेयरिंग में किराए पे मकान मिल गया, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आने में आपको 2 से 2.5 घंटा हो जाएगा। तो शुरू शुरू में आप कर पाओगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे कि यार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत थकने के बाद जब आप ऑडिशन पर पहुँचोगे तो आप कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, समझे। तो उससे तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि यहाँ रहने से बेहतर है कि आप कुछ वक्त और अपने शहर में रह लो, थोड़ा पैसा सेव करो और फिर यहाँ पर आओ। क्योंकि मैं आप लोगों को, आपको दिल से एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप एक्टर बनने मुंबई आ रहे हो, तो अंधेरी वेस्ट, ईस्ट, गोरेगांव, मलाड, मलाड से दूर मत जाना। कोशिश करना जितना हो सके इतना नज़दीक रहो। बजट थोड़ा ज़्यादा है तो अपने शहर में रह के थोड़ा पैसा बचा लो, कमा लो, कुछ भी करो, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आओ, वरना फिर आप लॉन्ग इनिंग नहीं खेल पाओगे। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मुंबई में आना, मतलब ये सोच के कभी मत आना कि 1 साल 2 साल का टारगेट में लेकर आया हूँ, मुंबई में बसने के लिए आना। क्योंकि मुंबई शहर के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मुंबई एक वक्त आपको मतलब कमज़ोर कर देता है, आपको लाचार कर देता है, हर तरह से दबोच लेता है कि आप भाग जाओ मुंबई छोड़ के। लेकिन आप नहीं भागते हो, तो फिर वो आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, जिसके आप हकदार हो। आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो। तो मुंबई आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए
कितना पैसा लेके आना है, कितना पैसा सेव करके आना है, सारी बातें मैंने बताई है। दोस्तों मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था और ना ही मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा था जो मुझे इस तरह से बता सके अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे आइडिया लेने के लिए, और मुझे देखकर बहुत ही दुख हुआ कि लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बना देते हैं। 200 रुपये में मुंबई में रहें, 2000 में मुंबई में रहें, नहीं रह पाओगे यार, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोलना, पता नहीं लोग क्यों झूठ बोलते हैं। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी बोल दूँ, आपके बजट की बात कर दूँ, झूठ बोल के बोल दूँ कि आप इतने में रह सकते हो, इतने में कर सकते हो, नहीं रह सकते। मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, हो सकता है मेरी बात अभी आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तब आप मुझे याद करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू, और मेरा यही मकसद है। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को झूठ बोल दूं, जब आप मुंबई आओ और फिर आप फंस जाओ, जैसे मैं फंस गया था, पैसा ख़त्म हो गया था, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है दोस्तों। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, और इसी वजह से खुदा मेरा साथ देता है, कुछ ऐसे काम मुझे मिल गए जिस वजह से मैं पैसा फिर से कमा पाया और मैं मुंबई में टिक पाया हूँ। बाकी मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, लड़के लड़कियाँ, सब वापस चले गए हैं, क्योंकि मुंबई में टिकना मुश्किल है यार, मुंबई में टिकना है हमें। बस सोच लो, मुंबई में टिकने के लिए जा रहा हूँ, काम मिलेगा तो करूँगा, नहीं मिलेगा तो मुंबई में रहूँगा, ये सोच के साथ आना, आपको काम मिलेगा। तो बस दोस्तों यही था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करना यार, कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुंबई में। मैं भी आप लोगों की तरह अकेला रहता हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है और आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही था आज के वीडियो में, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।